नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है वो मेरी दादी माँ है। आज खुशी के मारे मोहन के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। आखिर पूरे 6 साल के बाद वो अपने देश इंडिया वापस आ रहा था। दरअसल करीब 1 साल पहले की ही बात है, उसके दादाजी के सीने में तेज दर्द उठने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 2 दिन पहले ही उसने अपने दादाजी से वीडियो कॉल पर बात करी थी। अपने दादू के आखिरी शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। बेटा, तुम्हें डॉक्टर बने देखना तुम्हारे माँ बाप का सपना था। उनके सपने को जरूर पूरा करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और हाँ, मेरे जाने के बाद अपनी दादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। 2 दिनों के बाद जब उसे पता चला कि उसके दादा जी नहीं रहे, तो वो इंडिया भी नहीं जा सका क्योंकि उस समय उसके एग्जाम चल रहे थे। अपने दादू की मौत की खबर सुनकर मोहन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अपने दादू के आखिरी शब्द उसको रह रहकर परेशान कर रहे थे कि अपने माँ बाप के आखिरी सपने को जरूर पूरा करना। दरअसल आज से 6 साल पहले, मोहन के विदेश जाने से कुछ समय पहले की बात है, एक रोड दुर्घटना में मोहन के माँ बाप की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। मोहन के पिताजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनका हमेशा से सपना था कि मोहन पढ़ लिखकर बहुत बड़ा डॉक्टर बने। उसके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए उसके दादी दादू ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। और आज पूरे 6 सालों के बाद वो अपने घर इंडिया वापस आ रहा था। मोहन फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रहा था, दादी मुझे अचानक अपने सामने देखकर कितनी खुश हो जाएगी। पहले तो फूले नहीं समाएगी और उन्हें जब मालूम होगा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ और मेरी जॉब इंडिया में ही लगी है, तो खुशी के मारे अपनी छड़ी उठाकर ही नाचने लगेगी। अपनी दादी के बारे में सोचते सोचते मोहन कब इंडिया पहुँच गया उसे पता ही नहीं चला। जब मोहन अपने घर पहुँचा, उसने जैसे ही घर की डोरबेल बजाई, दरवाजा उसके भतीजे ने खोला। बच्चे उस समय हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। पहले तो वो अपने चाचू को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर मोहन की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज सुनकर मोहन की भाभी संजना बाहर हॉल में आ गई। मोहन को देखते ही संजना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जैसे काटो तो खून नहीं, वे मोहन को देखकर बोली, अरे देवर जी, आप अचानक यहाँ, आपने आने से पहले बताया नहीं कि आप आने वाले हो। अरे, बता दिया होता तो मैं आपके भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देती, लेकिन आपने तो कहा था पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ साल आप विदेश में ही रहकर ट्रेनिंग करोगे। मोहन ने कहा, हाँ भाभी, पहले तो मेरा यही मन था, लेकिन फिर मेरा अपने परिवार के बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपका देवर यहीं रहकर लोगों की सेवा करेगा। ये सुनते ही संजना एकदम सकपका गई। दरअसल मैं दादी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ। अच्छा भाभी, मैं अभी दादी के कमरे में जाकर उनको सरप्राइज देकर आता हूँ। मोहन अपनी दादी के कमरे में गया। दादी माँ, देखो आपका पोता आपके पास वापस आ गया। मोहन ने पूरा कमरा छान लिया, पर उसकी दादी कहीं दिखाई नहीं दी। जब पूरे घर में भी दादी नहीं दिखाई दी, तो बेचैन होकर मोहन अपनी भाभी के पास गया।
मोहन अपनी भाभी से पूछ ही रहा था कि तभी उसका भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? बड़ी दादी अब हमारे संग नहीं रहती। तभी मोहन गुस्से भरी नजरों से संजना की ओर देखते हुए बोला, भाभी यह राजू क्या कह रहा है? तभी संजना चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली, अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, संजना ने हड़बड़ाते हुए कहा और राजू को आंख दिखाकर बाहर जाने के लिए कहा। तभी मोहन बोला, लेकिन भाभी दादी को मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, दादी मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दी? तभी उसकी भाभी दबी हुई आवाज में हड़बड़ाते हुए बोली, अरे देवर जी, आपको फोन पर बताया तो था कि आपकी दादी सहेलियों के संग चारों धाम की यात्रा पर गई हैं। पर यात्रा पर तो भाभी दादी 2 महीने पहले ही गई थी, अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था और मैं कितने दिनों से दादी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार दादी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे देवर जी, आप चिंता मत करिए, आप तो जानते ही हो पहाड़ों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए दादी का फोन नहीं लग रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही उनका फोन आया था और वह कह रही थी अभी उन्हें 1 महीना और लग जाएगा और वह एकदम से ठीक ठाक हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर संजना रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई और मोहन थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी अपनी माँ बाबूजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह अपनी माँ बाबूजी की तस्वीर से बातें करने लगा। देखिए माँ बाबूजी, आज आपका बेटा आपका सपना पूरा करके अपने घर वापस आ चुका है। आज आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। रोते रोते मोहन को वो दिन याद आने लगे जब उसने अपने परिवार वालों को ये खबर सुनाई थी कि वे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसका एडमिशन विदेश में एक बहुत बड़े कॉलेज में हो चुका है। ये सुनते ही उसके पिताजी ने पूरे स्कूल में मिठाइयां बांटी थी। वहीं दूसरी ओर उसके मन में अपने बेटे से दूर होने का पीड़ा भी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी और दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर ही बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि बचपन से ही मोहन का अपनी दादी के साथ कुछ ज्यादा ही खास लगाव था। मोहन बचपन से ही अपनी दादी का लाडला था। दादी के हाथों से खाना, दादी के संग पार्क में घूमने के लिए जाना, रात को अपनी दादी के संग कहानी सुनते हुए सोना और अपनी दादी के हाथ का बादाम का हलवा तो उसे बहुत ही पसंद था। मोहन का एक बड़ा भाई है दीपक, जिसकी अपनी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है और संजना उसके बड़े भाई दीपक की पत्नी है। मोहन की माँ शकुंतला जी थोड़ी बीमार सी रहती थी, इसलिए उनसे घर के काम ज्यादा नहीं हो पाते थे और दादी बिना छड़ी के सहारे के तो चल ही नहीं पाती थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। मोहन की माँ बाबूजी अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मोहन के दादी और दादू के कंधों पर आ गई थी। जिस दिन मोहन विदेश जाने के लिए घर से निकल रहा था तो उसकी दादी ने आशीर्वाद के तौर पर भगवान श्री कृष्ण का लॉकेट उसके गले में पहना दिया और आंसू भरी आंखें लिए बड़े ही प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तभी उसकी दादी ने कहा, बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। तुम्हारी दादी का ख्याल हम सब लोग मिलकर यहाँ पर रख लेंगे
और उन सबका आशीर्वाद लेकर मोहन ने खूब मन लगाकर विदेश में पढ़ाई करने लगा। अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने वह अपने घर भेज दिया करता था। अक्सर वह अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात किया करता था, परंतु पिछले 2 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि उसकी दादी माँ से बात ही नहीं हो पा रही थी और घर वालों से पूछने पर हमेशा यही जवाब आता कि दादी तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई हैं। मोहन लगातार अपने माँ बाबूजी की तस्वीर को एकटक निहारता जा रहा था। तभी संजना कमरे में आई और बोली, देवर जी खाना तैयार हो गया है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ जाइए। लेकिन मोहन अपनी दादी से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह लेकर आया था वो सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। इतने में उसके भतीजा राजू उसके पास आया और बोला, चाचू आप हमारे लिए विदेश से क्या लाए हो? मोहन ने बैग में से बहुत सारे कपड़े, खिलौने और चॉकलेट निकालकर बच्चों को दे दिए। बिना दादी के मोहन को पूरा घर काटने के लिए दौड़ रहा था। रात को जब उसका बड़ा भाई दीपक दुकान से वापस घर आया तो वह अपने छोटे भाई को देखकर चौंक गया। फिर दोनों भाइयों ने बैठकर आपस में खूब बातचीत की। जब भी वह अपने बड़े भाई से दादी के बारे में कोई भी बात करता तो दीपक बात को घुमा फिराकर कहीं और ले जाता। मोहन अपने बड़े भाई भाभी का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वे दोनों दादी के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते थे। जब मोहन दादी के बारे में कोई भी बात करता तो उसके भैया भाभी हड़बड़ा जाते थे। मोहन को अपने भैया भाभी के इस व्यवहार से कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही थी। दूसरे दिन मोहन ने अपने माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही अस्पताल पहुँचा तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन किया। मोहन जैसे ही अपने केबिन में पहुँचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने माँ बाबूजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके माता पिता का आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहे। तभी मोहन अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे कहने लगा, देखिए पिताजी मैंने आज आपके सपने को पूरा कर दिखाया। आज आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है और हाँ, यहाँ पर सभी लोग मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। मोहन को भी मरीजों का दुख दूर करने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। शाम के समय जब मोहन मरीज को देखने के लिए राउंड पर गया, अस्पताल के एक बेड पर लेटी हुई एक बूढ़ी महिला को देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जानी पहचानी सी लग रही थी। जगह जगह से उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसने अपने सर को साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। साड़ी के फटे हुए पल्लू से तारों की तरह टिमटिमाते हुए उसके बाल चमक रहे थे। उस बूढ़ी औरत को देखकर मोहन दूर खड़ा बस उसे निहारता जा रहा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर मोहन को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। वह जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगा वैसे ही मोहन के फोन की घंटी बजी और वो बात करते करते अपने केबिन की ओर जाने लगा। तभी अचानक से मोहन के कानों में एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा अस्पताल की एक नर्स अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम हो ही नहीं पाता तो तुम लोग यहाँ नौकरी करने के लिए क्यों चले आते हो? घर क्यों नहीं बैठा जाता? तुम लोगों से ढंग से ना झाड़ू करती हो ना पोछा करती हो, बस मुफ्त की पगार लेने के लिए चली आती हो। वो बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए
चुपचाप उसकी बातें सुनते जा रही थी। ये देखकर मोहन को बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही मोहन उस नस को शांत करने के लिए आगे गया, तो वहाँ खड़ी सफाई कर्मचारी को देखकर उसे अपनी दादी की छवि नजर आने लगी। फिर उसने मन में सोचा, यहाँ मेरी दादी कैसे हो सकती है? ये सोचते ही वो जैसे ही थोड़ा सा नजदीक गया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर मोहन के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि मोहन की दादी माँ थी। उसकी दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। कप कापाते हुए हाथों से वो पूरे अस्पताल की झाड़ू लगा रही थी। तभी वो नर्स उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बोल रही थी, आज ही तुम्हें बड़े सर से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगी। तभी मोहन के सब्र का बांध टूट गया और वो नर्स पर चिल्लाते हुए बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवा लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ सम्मान इतनी बड़ी औरत से ऐसे बात करने की? क्या तुम अपने घर में भी अपनी माँ अपनी दादी से इसी तरह बात करती हो? देखो तो सही, इतनी उम्र में भी इन्हें काम करना पड़ रहा है, कितनी मजबूरी रही होगी इनकी। और यह कोई सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि यह मेरी दादी माँ है। ये सुनते ही उस नर्स की तो छक्के ही छूट गए। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से मोहन की ओर देखने लगे। तभी मोहन के मुंह से निकला, दादी माँ, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? आप तो चारों धाम की यात्रा पर गई हुई थी, फिर आप यहाँ कैसे? अपने पोते की आवाज सुनकर उस बूढ़ी औरत ने हाथ में पकड़ी हुई झाड़ू को फेंका और जाकर अपने पोते को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने पोते को डॉक्टर बना हुआ देख उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। बड़े ही प्यार से उस बूढ़ी औरत ने अपने पोते के चेहरे को सहलाकर उसे खूब प्यार किया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। लेकिन मोहन के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल अब चिंता मत कीजिए, आपका पोता वापस आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन अपनी दादी माँ को अपने केबिन में लेकर चला गया। पहले उन्हें अच्छे से हाथ मुंह धोकर पानी पिलाया। फिर उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आप तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई थी, तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? आज आप कुछ मत छुपाए, मुझसे सारी बात सच सच बता दीजिए, आखिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? घर पर भैया भाभी तो बोल रहे थे कि आप अपने पड़ोसियों के संग तीर्थ यात्रा के लिए निकली हैं। मैं भी आपको कितने दिनों से फोन लगा रहा था, पर हर बार आपका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। तभी दादी माँ ने रुंधे गले से कहा, बेटा, तेरे दादा जी के जाने के बाद तेरे बड़े भाई दीपक ने तेरे दादा जी के पूरे कारोबार को हथिया लिया, और बेटा, तू तो जानता ही है, तेरे दादाजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो उन्होंने इस घर को बनवाने में खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी पैसे जोड़ कर नहीं रखे थे, लेकिन अब तेरे दादाजी के जाने के बाद मेरी दवाइयों के लिए और छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, और उनको तो दवाइयों के लिए 10 रुपए देने में भी आफत आ जाती थी। संजना बहू जब देखो दिन रात बस शॉपिंग में लगी रहती थी, किटी पार्टियां कर रही थी, होटल में खाना, नए नए कपड़े पहनना, उनके खर्चे से
तो तेरे बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहाँ मेरी दवाइयों की बात आती वहीं घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाया करता था। पहले तो संजना बहू घर में थोड़े बहुत काम करवाया करती थी, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी, अगर काम नहीं करोगी तो खाने को नहीं मिलेगा, मुफ्त में बैठे बैठे मैं आपको रोटियां नहीं दूंगी। इस पापी पेट को भरने के लिए तेरी भाभी की हर बात मुझे माननी पड़ती थी। धीरे धीरे करके उसने घर के सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दिए। वो सिर्फ दीपक और बच्चों के लिए खाना बनाया करती थी, बाकी घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई करना जैसे सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। और खाने के नाम पर जो रात का बासी कुछ बच जाया करता था वो भी 10 बार हाथ जोड़कर मांगने पर मिलता था। एक बार मेरे दांतों में बहुत तकलीफ हो रही थी और ठंडी बासी रोटी मेरे दांतों से चबाई नहीं जा रही थी, तो मैंने अपने लिए जरा सी खिचड़ी बना ली। तेरी भाभी ने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और कहा, बुढ़िया चुपचाप पड़ी रह यहाँ पर, जब देखो तेरी जीभ चटोरे ही मांगती रहती है, अब देखती हूँ कहाँ से खाएगी खिचड़ी बना बना कर। अरे पैसे क्या कोई पेड़ पर उगते हैं? जो अपने लिए खिचड़ी बना रही थी, न जाने इतनी सी बात के लिए बहू ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। और कहने लगी, मर क्यों नहीं जाती, कब तक मेरी छाती पर मूंग दलोगी? आप चुपचाप पड़ी रहो इसी कमरे में, वरना धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और तेरा बड़ा भाई दीपक, उसे तो मेरे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो हमेशा संजना का ही साथ देता था और यह कहते कहते दादी माँ फूट फूट कर रोने लगी। तभी मोहन दादी माँ की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, दादी माँ और क्या क्या किया भैया भाभी ने आपके संग? आज मुझे सारी बात खुलकर बता दीजिए। बेटा मेरे ऊपर क्या गुजरी है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, कभी कभी तो 1 गिलास पानी पीकर ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। एक दिन मैंने बहू से कहा, बहू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। थोड़ी सी खिचड़ी मांगने पर बहू ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करती नहीं हूँ, बस बैठे बैठे खाने के लिए चाहिए, जब देखो मेरी छाती पर मूंग ही दलती रहती हो, जब देखो आए दिन तो बीमार पड़ी रहती हो, कभी कहती हो मेरी दवाइयां ला दो, कभी कहती हो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। अरे नौकरानी, समझ कर रखा है कि आपने मुझे अपने ऑर्डर दिया और मैंने पूरा कर दिया, अरे मुझसे नहीं होगी आपकी सेवा, चली क्यों नहीं जाती, हमारे घर को छोड़कर खुद भी शांति से जियो और हमें भी जीने दो। तभी वो दीपक से बोली, आप इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते हो? मैं आपकी दादी की और सेवा नहीं कर सकती। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे दीपक उसे अभी जोरदार थप्पड़ लगा कर कहेगा, यह मेरी दादी माँ है, इनके बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन बेटा मैं तो हैरान रह गई, ये देखकर कि दीपक को तो बहू की हर बात सही लगती थी। बेटा बहू से तो क्या शिकायत करे जब पोता ही अपना सगा न रहा। 2 दिनों के बाद दीपक एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, दादी दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से आपकी तबीयत के बारे में बात की, वो दिल्ली में एक बड़े अस्पताल में काम करता है, उसने डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप कल तैयार हो जाना, मैं आपका चेकअप करवाने के लिए आपको कल दिल्ली ले जा रहा हूँ।
हो सकता है वहाँ पर हमें 2-4 दिन रुकना पड़ जाए। इसलिए आप अपने 2-3 जोड़ी कपड़े रख लेना और अपनी जरूरत का जो भी सामान हो थोड़ा बहुत वो भी रख लेना। दीपक के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे दीपक को मुझ पर रहम आ गया है और वो सचमुच मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहता है। अपने पोते का ये प्रेम देखकर मेरा दिल भर आया और इसीलिए मैं जल्दी से पैकिंग करके अगले दिन संजना और दीपक के संग गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आ गई। दिल्ली पहुँचकर जब डॉक्टर को चेकअप करवाकर हम बाहर निकले तो डॉक्टर की जो दवाइयाँ लिखी हुई थी, दीपक ने कहा, दादी माँ ये दवाइयाँ हमारे यहाँ पर नहीं मिलेंगी। आप एक काम करिए, आप यहाँ इस बेंच पर बैठ जाइए, मैं ये सारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो दवाई लेने के लिए चला गया। मैं उस बेंच पर बैठे बैठे उसका इंतजार करती रही, पर वे दोनों लौट कर वापिस ही नहीं आए। वहाँ पर बैठे बैठे मुझे दोपहर से रात होने को आई थी, लेकिन उन दोनों का कुछ भी अता पता नहीं था। अस्पताल के बाहर घबराई हुई उस बेंच पर बैठी बैठी आने जाने वाले लोगों से अपने पोते के बारे में पूछ रही थी। तभी घबराहट और बेचैनी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं उसी बेंच पर सो गई। जब होश आया तो देखा काफी रात हो चुकी थी और फिर मुझे समझते देर नहीं लगी कि दीपक डॉक्टर को दिखाने के बहाने मुझसे छुटकारा पाने के लिए आया था। इस बार सहारा बूढ़ी दादी को इतने बड़े शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया। तेरा भाई, संजना बहू ने जो उससे कहा था वो उस दिन तेरे भाई ने उसे सच साबित कर दिखाया। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर मोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शकुंतला जी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेसहारा छोड़ने से तेरे भाई ने एक बार भी नहीं सोचा, बेसहारा अनाथों की तरह कर चला गया। दादी माँ मोहन के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कह रही थी, आखिर हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी। अरे तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी हमने तुम दोनों बच्चों को एक समान ही प्यार दिया और तुम्हारे दादू ने तो उस घर को खरीदने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। बेटा अब न हमारे पास पैसे थे और न ही घर था, बस तेरे दादाजी की दी हुई गले में एक सोने की चैन पहने हुई थी। तभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए एक कर्मचारी ने जब मुझे रोता हुआ देखकर पूछा, माँ जी मैं देख रहा हूँ आप यहाँ सुबह से बैठी रो रही हैं। तब मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, मान जी यहाँ तो आए दिन ऐसा ही होता रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। जब मैंने उससे कहा, बेटा अब मैं क्या करूँगी, तब उसने मुझसे कहा, माँ जी अगर मैं आपको एक सलाह दूँ, अगर आपको सही लगे तो उसे मान लेना। अगर आप यहाँ हॉस्पिटल में नौकरी कर लोगी तो आपको यहाँ रहने के लिए अस्पताल की तरफ से एक क्वार्टर मिल जाएगा, जिससे आपको काम के साथ साथ रहने के भी बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे उसकी बात सही लगी तो मैंने उसकी बात मान ली और मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एक क्वार्टर और नौकरी दोनों ही मिल गए। उस चैन को बेचकर मैंने अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया था। बेटा इतना लाचार मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। ये कहते कहते दादी माँ बेहोश हो गई। दादी की ऐसी हालत देखकर मोहन घबरा गया। फिर उसने बोतल से थोड़ा सा पानी दादी के मुंह पर छिड़का। दादी माँ के मुंह पर छींटे मारे और दादी माँ होश में आ गई। दादी के होश में आते ही मोहन ने दादी को कसकर गले से लगा लिया और कहने लगा, दादी माँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा,
फिर मोहन ने अपने स्टाफ से कहकर दादी माँ के लिए कैंटीन से जूस मंगाया। दादी माँ, आपको जितनी तकलीफ सहनी थी आप सह चुकी, अब तकलीफ सहने की बारी भैया और भाभी की है। गुस्से में आग बबूला हो रहा था। मोहन ने अपनी दादी से कहा, दादी आप अब चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अब आपका दूसरा पोता आ गया है। तभी मोहन अपनी दादी से बोल रहा था, दादी माँ अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर दादी माँ थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वह इस माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ उनके संग कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उनके अंदर और अपमान सहने की हिम्मत नहीं थी। तभी मोहन बोला, दादी माँ अब डरिए मत, वो घर आपका और दादू का है, उस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता, पराये तो वह लोग हैं जो आपके घर में रह रहे हैं। अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वो लोग जाएंगे, आप नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तभी मोहन अपनी दादी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर की ओर ले गया, लेकिन अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वो पहले अकेले ही घर के अंदर गया। उसने दादी माँ को गाड़ी में ही बैठा हुआ छोड़ दिया। घर में उसके भैया भाभी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। संजना और दीपक अपने दोस्तों के साथ नाच गा रहे थे। बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। सबसे पहले मोहन ने घर में घुसते ही म्यूजिक को बंद कर दिया। तभी संजना झुंझलाते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है देवर जी। मोहन ने कहा, आप लोगों के सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताइए कि मेरी दादी माँ कहाँ है। मुझे अभी के अभी अपनी दादी माँ से बात करनी है। तभी उसका बड़ा भाई बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि दादी माँ तीर्थ यात्रा के लिए गई हैं? अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि दादी माँ की तीर्थ यात्रा हो चुकी है और वो अब हरिद्वार के लिए गई हुई है। ये सुनकर उसका बड़ा भाई दीपक घबरा गया। धीरे धीरे करके मोहन के सब्र का बांध टूट रहा था और वो अपने बड़े भाई पर चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप दोनों, अरे सच सच क्यों नहीं बता देते, आपने उनको धोखे से घर से बाहर फेंक दिया। तभी मोहन ने अपनी दादी माँ को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। अपनी दादी शकुंतला जी को देखते ही दीपक और संजना के पैरों तले जमीन सरक गई। घर में घुसते ही दादी माँ ने दीपक के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान ये सारा नजारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और उनके संग पार्टी का आनंद ले रहे थे, वो लोग अब उन्हें घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। तभी दीपक के एक दोस्त ने कहा, अरे यार मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जिस दादी ने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने उसी दादी माँ को घर से बेदखल कर दिया। यार तूने अपना नसीब अपने ही हाथों से खराब कर लिया। नहीं चाहिए मुझे तो तेरे जैसा दोस्त जो अपने बड़ों का आदर और सम्मान ही न कर सके। ये कहकर सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई। मोहन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब यही हैं, वो लोग जिन्होंने मेरी दादी माँ का जानवरों से भी बदतर बेहाल कर दिया था, इन्हें इन्हीं के घर से निकालकर बीच रास्ते में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जिस घर और दुकान पर मेरे भाई भाभी ने कब्जा कर रखा है, वो घर मेरे दादी और दादू का है। जैसे ही दीपक और संजना ने पुलिस को देखा, उनके तो छके ही छूट गए। मानो जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें तो दिन में तारे नजर आने लगे।
वे दोनों झट से दादी माँ के पैरों में गिर गए और बोले, दादी माँ हमें माफ कर दीजिए, नादानी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी शकुंतला जी ने कहा, जो गलती तुम दोनों से हुई है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं क्या, तुम्हें तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। अब मेरा केवल एक ही पोता है, मोहन, पुलिस इंस्पेक्टर बोले, अब चलिए बाकी की सारी बातें जेल में चलकर करेंगे। पुलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संजना कब कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज दादी माँ हमें सुधरने का एक मौका दीजिए, इतनी पत्थर दिल मत बनिए, आप भी एक माँ हैं। हमें अगर पुलिस पकड़ कर ले गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? दादी माँ किसी को भी सुधरने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए, हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चों के लिए ही सही, हमें एक मौका दे दीजिए। तभी पुलिस दीपक और संजना को पकड़कर ले जाने लगी। तभी शकुंतला जी ने पुलिस इंस्पेक्टर को रोक दिया और कहा, अपनी कम्प्लेन मैं वापस लेती हूँ। ये सुनते ही संजना और दीपक खुश हो गए। फिर शकुंतला जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये तुम्हें यह नया जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों की वजह से दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती की सजा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मिले। मैं तुम्हारे बच्चों से उनके माँ बाप का साया नहीं छीनना चाहती। लेकिन भगवान से दुआ करना, तुमने जो मेरे साथ किया है कहीं बड़े होकर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे संग ना करें। और हाँ, हो सके तो अपने बुढ़ापे के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़कर जरूर रख लेना। जो गलती हमने की थी वो तो मत करना, क्योंकि जब वही बच्चे जिनके ऊपर हम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, वही बच्चे हमें एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसा देते हैं। तभी मोहन भड़कते हुए बोला, दादी माँ ने आपको माफ जरूर कर दिया है लेकिन आपको इस घर में रहने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। आप अभी अभी अपना पूरा सामान पैक करके निकल जाओ। हमारे इस घर से आपका साया भी मैं अब इस घर में और नहीं पड़ने दूंगा। तभी संजना गिड़गिड़ाते हुए बोली, दादी माँ हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? जरा तो सोचिए, हमारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तभी मोहन बोला, आपने दादी माँ को वहाँ रोड पर छोड़ने से पहले ये सब सोचा था? भाभी अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, आपको ये घर छोड़कर जाना ही होगा। दीपक और संजना की दादी और मोहन के आगे एक न चली और उन दोनों को उनका घर छोड़कर जाना ही पड़ा। अब मोहन और शकुंतला जी यानी दीपक की दादी माँ खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। शकुंतला जी ने मोहन की शादी कर दी। अब मोहन की पत्नी उसकी दादी की बहुत सेवा करती है और प्यार से उनकी गृहस्थी आगे चल रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मोहन ने अपने बड़े भाई भाभी को सजा देकर ठीक किया? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर अब तक आपने पास में लगी घंटी को नहीं दबाया है तो प्लीज दबा लीजिए, जिससे हम जब भी नई कोई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।